जिंदाबाद जिंदाबाद जय तलाक जिंदाबाद जिंदाबाद जय तलाक जिंदाबाद जिंदाबाद मंत्री मुर्दाबाद 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 मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद मंत्री निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है है। आज प्रदर्शन आज से शुरू, क्या डिमांड्स है, कितने दिनों का प्रदर्शन है? ये हमारी दो दिवसीय हड़ताल है और हमारा आज ये पहला दिन है। कल भी हम हड़ताल पे रहेंगे और अगर हम कल तक सरकार ने कुछ भी नहीं सुना तो शाम को हमारी यूनियन की बैठक है, उसमें ये फैसला होगा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। वो तो फैसला हो चुका है, कब से जाएंगे ये केवल फैसला होना बाकी रह गया। किस बात का विरोध है आप लोग? ये जो निजीकरण बैंक सरकार कर रही है बैंकों का, निजीकरण होने से क्या नुकसान है? निजीकरण होने से देश बचाओ, बैंक बचाओ, देश बचाओ, ये देश का नुकसान है। ये एम्प्लाई का नुकसान उतना नहीं जितना कि देश का नुकसान है। एक आम आदमी के लिए इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा अभी एक पीएमसी बैंक बंद हुआ, खातेदारों का पैसा नहीं मिल पा रहा है। यस बैंक का हाल देख लीजिए क्या हुआ, प्राइवेट हैं उनके पे कौन सा भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन सब इन लोगों ने जितने बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स के हैं सब अपना पैसा बंटवा के बैंक को बाद में दिवालिया बनवा देते हैं। बाद में कोई स्टेट बैंक ने उसको बाद में ग्रहण किया उसको, तो ऐसे ही ये सरकार करने जा रही है। क्या नाम है सर? मैं एसके सिंह हूँ, रीजनल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बैंक का, बोल रहा हूँ इम्प्लाई यूनियन फेडरेशन। हड़ताल है उसका मुख्य रूप से हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मुख्य जो है निजीकरण का विरोध है। ये सरकार अभिसिद्ध सत्र में निजीकरण का बिल लाके बैंकों को बदनाम कर रही है कि बैंकों में कोई लाभ नहीं हो रही है। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो आज के दौर में कोई भी सरकारी बैंक ऐसा नहीं है जो लाभ ना दे रहा हो। हम सारे सरकारी संस्थान लाभ दे रहे हैं और सरकारी संस्थान ही हैं जो समाज सेवा के रूप में भी कार्य करते हैं। जितनी सरकार की सरकारी योजनाएं हैं, जो भी सामाजिक योजनाएं हैं, उसको अगर हम फलीभूत करते हैं तो हम सरकारी बैंक ही करते हैं। उसको कोई भी कामयाबी मिलती है तो सरकारी बैंकों के बलबूते ही मिलती है। इसके बावजूद ये सरकार जो है वो लोगों के बीच भ्रम फैला रही है कि सरकारी बैंक घाटे में चल रही हैं, ये अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं, और इसके विरोध में वो निजीकरण का प्रस्ताव ला रही हैं जो कि सरासर गलत है। और हमारा जो अभी हड़ताल है इसका मुख्य कारण जो है और जो हम विरोध कर रहे हैं वो निजीकरण का कर रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं है तो क्या करेंगे? अभी जो हमारी हड़ताल है ये दो दिनों की है, कल हमारी फिर से बैठक है। अगर बैठक के बावजूद सरकार नहीं मांगती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन के हड़ताल पे भी जाएंगे। क्या सुना? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह, ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिसर एसोसिएशन। और कोई एक